आगे जयपुर से बड़ी खबर है, जहां डीसीपी ईस्ट कावेर सागर के निर्देशन में बड़ी सफलता मिली है। भागवत कथा के दौरान 9 महिलाओं के गले से चेन तोड़ने की वारदात का पर्दाफाश हो चुका है। 2 शातिर महिला और 1 युवक को यहां से गिरफ्तार किया गया। सागरेर थाना इलाके के पिंजरा पोल गौशाला में ये घटना हुई थी। कथा में एक साथ टूटी थी 9 महिलाओं की सोने की चेन। बड़ी घटना के बाद खुद डीसीपी ईस्ट कावेर सागर पहुंचे थे मौके पर और तुरंत किया गया था टीम का गठन, और आज टीम को सफलता मिल गई है। शातिरों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भी वारदात की गई है। यूट्यूब पर भागवत कथा का पता कर पहुंचते कथा स्थल से 5 किलोमीटर पहले युवक पार्क कर देता है कार, फिर ऑटो से दोनों महिलाएं पहुंचती हैं भागवत कथा में, और वारदात के बाद उसी प्रकार शातिर फरार भी हो जाते हैं। अब इन शातिरों से पूछताछ की जा रही है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ये जो 3 लोगों का गिरोह है, और ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं, कैसे ये गिरफ्त में आए और पूछताछ में क्या सामने आया? तो देखिए, जयपुर शहर के अंदर पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि दिल्ली में बैठकर लोग नजर रखते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और अन्य कई राज्यों के अंदर भागवत कथा कहाँ कहाँ पर हो रही है। जब भागवत कथा होती है वहाँ पर ये दोनों युवतियाँ और ये युवक एक इसी कार में बैठकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में अपने कपड़े चेंज करते हैं, गाड़ी को 5 किलोमीटर पहले खड़ी करते हैं, जिससे कि लगे कि हाँ ये ऑटो में बैठकर भागवत कथा सुन लिया है। ऑटो में बैठकर मोकेर पहुंचते हैं, मोकेर पहुंचकर एक महिला गेट पर खड़ी होकर देखती रहती है, दूसरी महिला कैंची के द्वारा जो महिलाएं बैठी होती है उनके गले से सोने की चैन काट के मौके से फरार हो जाते हैं। यानी कि एक दिन के अंदर 9 से 10 चैन तोड़ने का जो पूरा इनका वो रिपोर्ट रहता है, वो 9 से 10 चैन तोड़ती है और मौके से फरार हो जाती है, वापस दिल्ली चली जाती है। तो यानी कि अभी तक 100 से अधिक इन्होंने चैन तोड़ने की वारदात स्वीकार किया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी कई स्थानों पर इन्होंने, कई राज्यों में इन्होंने चैन तोड़ने की वारदात की है। चैन तोड़ने के बाद में ये सुंगा के पास जाकर इन चैन को बेच देती है और अय्याशी का जीवन ये जीते हैं। जयपुर शहर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी सफलता मिली है, इनसे पूछताछ की जा रही है, और साथ साथ यूपी और जो अन्य राज्य हैं वहाँ की पुलिस को भी इनकी सूचना दे दी गई है, क्योंकि एक साथ 9 चैन टूटना बड़ी खबर थी जयपुर शहर के अंदर सांगानेर इलाके में। तो ऐसे में पुलिस ने लगातार कड़ी से कड़ी मिलाई और आरोपी तक पहुंच गई। फिलहाल आरोपी महिलाएं और युवक से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि अन्य कौन कौन सी वारदातें करी इन्होंने उनका भी खुलासा किया जा सके। सत्यनारायण, कई राज्यों में इन शातिरों ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले, क्या ये राजस्थान से ही है? देखिए, दिल्ली के रहने वाली ये युवतियां हैं, युवक भी दिल्ली का रहने वाला है, और इन्होंने इस पेशे को चुना है, इस तरीके को चुना है, क्योंकि ये काफी आसान तरीका है जिसमें बाकी वेशभूषा के अंदर पहुंच जाओ और फिर कथा सुनते हुए चैन तोड़ लो महिलाओं की। क्योंकि महिलाएं जब राजस्थान की महिलाएं कथा सुनती है तो वहां विभोर हो जाती है, कथा में खो जाती है, तो उसका फायदा ये उठाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। एक चैन की कीमत 50 से 60 हजार होती है, अगर 10 चैन एक साथ तोड़ी जाए चलता तो लाखों रुपए के अंदर अमाउंट पहुंचता है। तो इनका जो बैंक अकाउंट देखा जा रहा है, साथ साथ कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो देखा जा रहा है, तो इनसे पूछताछ के अंदर बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।